आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। शाम 6 बजे का वक्त है जहां पर पोलिंग बूथों को अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर बात करें सुबह से मतदान जो है दिल्ली के अंदर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और लगातार जो लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब शाम 6 बजे का वक्त है जहां पर अब जो मतदान केंद्र है उनको बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन है, लेडी इरविन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ का, ये पोलिंग स्टेशन 40, 54 और 55 था, यहाँ पर 6 बजने के बाद जो है इसको अब बंद कर दिया गया है और पुलिस जो है यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। अब उन जो मशीनें हैं, अब उनकी जो ईवीएम मशीनें हैं उनको अब लॉक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से स्कॉर्ट के साथ जो है स्ट्रॉन्ग रूम तक जो है वो ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनकी सुरक्षा सीसीटीवी माध्यम और फोर्स के साथ जो है वो होगी, क्योंकि अब जो वोटिंग लोग अंदर कर रहे हैं अभी वो सिर्फ अंदर है, लेकिन जो मेन गेट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।